Hello everyone. In this video lecture of information theory coding or digital communication, I am going to discuss one example of linear block code. This topic is common for both subjects, and I have taken this question from the AKTU uh, last year paper, 2020-21. According to this question, for a systematic linear block code, three parity check digits C4, C5, C6 given by C4 is equal to एम वन with विथ एम टू प्लस एम थ्री प्लस मीन्स की और टू C5 सी फाइव इज एम वन एम टू और सी सिक्स इज इक्वल टू एम वन एग्जोर विद एम थ्री बेसिकली यहाँ पे जो एग्जोर का साइन है दिस इज मोडुलो टू ठीक है तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारा जो लीनियर ब्लॉक कोड है इसका एन एंड के की वैल्यू क्या है एन मीन्स की लेंथ ऑफ कोड वर्ड तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पे सी फोर सी फाइव सी सिक्स है ठीक है मीन्स की थ्री चेकबिट्स हैं एंड मैसेज बिट एम वन एम टू एम थ्री है मीन्स की एन इज थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स एंड के मीन्स की मैसेज लेंथ इज थ्री दिस इज मैसेज लेंथ एंड दिस इज कोडवर्ड लेंथ कोडवर्ड लेंथ डन नाउ अब ये हमारा जो लीनियर ब्लॉक कोड है वो क्या हो गया एन के इज सिक्स कॉमा थ्री ठीक है तो नाउ अब हमें चाहिए सबसे पहले पैरिटी चेक मैट्रिक्स क्योंकि यहाँ पे हमारा पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट जनरेटर मैट्रिक्स जनरेटर मैट्रिक्स मीन जी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के और यहां हमारा पैरिटी मैट्रिक्स तो नाउ अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे पैरिटी मैट्रिक्स तो पी इज इक्वल टू चेक मिट सी फोर सी फाइव सी सिक्स ठीक है नाउ इसमें रो कैसे होंगी दिस इज फॉर एम वन एम टू एम थ्री ठीक है इसको हमें इरेज कर देना है सी फोर एम वन एम टू एम थ्री ऑल अवेलेबल, तो वन 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 सी फाइव एम वन एंड एम टू इज अवेलेबल, तो एम वन अवेलेबल एम टू अवेलेबल, एम थ्री इज एपेंट दैट्स वाई जीरो सी सिक्स एम वन एम थ्री मीन्स एम वन एम टू एबसेंट है इसलिए जीरो एम थ्री एवेलेबल है इसलिए वन नाउ इसको मैंने इरेज किया है एंड दिस इज द पैरिटी मैट्रिक्स ये हमारी क्या होगी पैरिटी मैट्रिक्स नाउ अब हमें क्या चाहिए G इज इक्वल टू आई के के वैल्यू क्या है थ्री मीन्स कि यहाँ पर जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी थ्री की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स कि इन एवरी रो एंड एवरी कॉलम देयर इज ओनली सिंगल वन ठीक है तो हमारा G क्या हो जाएगा G इज इक्वल टू आई के मीन्स वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन ठीक है ये हमारा हो गया आई थ्री नाउ दिस साइड हमारा क्या होगा P तो P की वैल्यू क्या है वन 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 जीरो फर्स्ट पार्ट इज डन ये हमने क्या किया हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कंस्ट्रक्ट कोड जनरेटेड बाय दिस मैट्रिक्स चलो अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट नाउ कोड हम कैसे जनरेट करेंगे कैपिटल सी कोड इज गिवेन बाई एम इन टू जी एम इज द मैसेज एंड जी इज द जनरेटर मैट्रिक्स ठीक है मैट्रिक्स हमारे पास है नाउ हमें मैसेज की लेंथ पता है तो हमें यहाँ पे ऑल पॉसिबल निकालने होंगे लेंथ इज थ्री तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैसेजेस कितने होंगे टू रेज टू पावर थ्री इज इक्वल टू एट ठीक है तो मैं यहां लिखती हूँ मैसेजेस ठीक है एम वन एम टू एम थ्री ठीक है ये क्या होंगे ज़ीरो जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो वन जीरो वन 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 ज़ीरो वन 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 दीज आर द ऑल पॉसिबल मैसेज इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा कोडवर्ड होगा वो क्या होगा सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव सिक्स नाउ फ्रॉम दिस मैट्रिक्स अगर हम यहां पर लिखते हैं सी इज इक्वल टू एम जी ठीक है तो हमारा क्या होगा एम वन एम टू एम थ्री दिस मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड विथ दिस मैट्रिक्स वन जीरो जीरो वन 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 ठीक है यहाँ पर जीरो वन जीरो वन वन जीरो नाओ जीरो जीरो वन वन जीरो वन ठीक है दिस इज़ द फाइनल मैट्रिक्स नाउ इफ यू ऑब्जर्व तो हमारा जो भी कोड जनरेट होगा उसकी स्टार्टिंग थ्री डिजिट्स तो वही होंगी जो मैसेज में होंगी बिकॉज ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है एक तो ये मैथड है दूसरा आप क्या कर सकते हो जो भी वन होगा उन बिट्स को हम एग्जॉर्ब कर देंगे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ज़ीरो जीरो ज़ीरो है मीन्स कि ये तीनों एलिमेंट अगर ज़ीरो होंगे ये भी जीरो ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जीरो 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 ठीक है नाउ नेक्स्ट मैसेज इज जीरो जीरो वन ठीक है इस बिट को हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ जीरो इसके साथ जीरो इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया मीन्स कि हमें कोड वर्ड क्या मिलेगा जीरो जीरो वन वन जीरो वन ठीक है नाउ नाउ मैसेज इज जीरो ओनली एम इज अवेलेबल तो ये हमारी एम वन होती है ये हमारा एम टू है ये हमारा एम थ्री है ठीक है एम टू की वैल्यू वन है तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा दिस वन मीन्स कि जीरो वन जीरो वन वन जीरो ठीक है नाउ इफ मैसेज जीरो वन वन तो हम हमारे क्या होंगे ज़ीरो वन वन मीन्स कि ये लास्ट टू रो इन दोनों का हमें एग्जॉर करना होगा ठीक है किसका जीरो एंड जीरो का एग्जॉर जीरो जीरो वन का एग्जॉर वन जीरो वन का एग्जॉर वन 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 का एक्जोर जीरो वन जीरो का एक्र वन जीरो वन का एक्जोर वन ठीक है तो दिस इज द कोड वर्ड फॉर दिस नाउ अब हमारा मैसेज क्या है वन जीरो जीरो मीन्स ओनली एम वन इज अवेलेबल तो वट इज द कोडवर्ड वन जीरो जीरो ना वॉट इज द मैसेज वन जीरो वन मीन्स की फर्स्ट एंड लास्ट रो फर्स्ट एंड लास्ट रो वन जीरो से एक् वन जीरो जीरो का एक् जीरो जीरो वन का एग्जॉर वन 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 का एग्जॉर जीरो वन जीरो का एग्जॉर वन 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 का एक्जॉर जीरो दिस इज द कोड वर्ड नाउ नेक्स्ट मैसेज इज वन वन जीरो मीन्स वन वन जीरो ओनली एम वन एंड एम टू इज अवेलेबल. तो जीरो वन का एग्जॉर वन जीरो वन का एग्जॉर वन जीरो जीरो का एक् जीरो वन वन का एग्जोर जीरो वन वन का एग्जॉर जीरो वन जीरो का एग्जॉर इज वन ठीक है नाउ फॉर लास्ट मैसेज लास्ट मैसेज इज Means कि all message bits available, तो हमारा एग्जॉर किसका होगा तीनों रो का होगा जीरो एक्जॉर वन जीरो 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 वन का एग्जोर क्या होगा वन का वन 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 ऑल का टाइम्स है ठीक है तो दिस इज द कंप्लीट कोडवर्ड ठीक है आप बिट बाई बिट मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो और दिस इज द इजिएस्ट वे कि जो आपकी बिट वन हो उस आप वो लो और उसको दूसरे वन के साथ एग्जॉर करो ठीक है नाउ स्टिल यू हैव एनी डाउट तो यू कैन चेक अदर वीडियोज और अगर आपको कोई और डाउट हो तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन नाउ थर्ड पार्ट इज डिटर्न माइंड एर करेक्टिंग कैपेबिलिटी तो फॉर फाइंडिंग द एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी हमें पता करना होगा डी मिनिमम डी मिनिमम क्या होता है डी मिनिमम इज द मिनिमम वेट ऑफ कोडवर्ड एक्सेप्ट जीरो ठीक है तो डी मिनिमम क्या होता है हमारा डी मिनिमम इज इक्वल टू वेट मिनिमम ठीक है मिनिमम वेट तो नाउ यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वेट ठीक है फॉर दिस कोड वर्ड ऑल बेट आज जीरो मीन्स की वेट इज जीरो नाव इन दिस वन टू थ्री थ्री वन टू वेट इज थ्री नाउ इन दिस वन टू थ्री थ्री है मीन्स वेट इज थ्री नाउ वन 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 फोर मीन्स की वेट इज फोर यहाँ वन टू थ्री फोर फोर वन मीन्स वेट इज फोर वन टू थ्री वेट इज थ्री वन टू थ्री वेट इज थ्री वन टू थ्री फोर वेट इज फोर ठीक है नाउ एक्सेप्ट जीरो वट इज द मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू इज थ्री मीन्स की वॉट इज मिनिमम वेट मिनिमम वेट इज थ्री तो डी मिनिमम क्या होगा थ्री नाउ अब हमें फाइंड आउट करनी है एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी तो एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी इज गिवेन बाई टी इज इक्वल टू डी मिनिमम माइनस वन बाई टू ठीक है तो ना अब हम इसकी वैल्यू स्पोर्ट कर दें डी मिनिमम इज थ्री तो वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या पोर्ट होगी थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू टू बाई टू इज इक्वल टू वन मीन्स की it can correct only single error so this is all about the question still you have any doubt please write down in comment section thank you